हाँ तो और मेरे भाई लोग, क्या हाल चाल है यार। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो एक और न्यू स्टेट की वीडियो के साथ आ गए हैं वापस। अब भाई बात करते हैं इस वाली वीडियो की। तो आप लोगों को पता होगा न्यू स्टेट मोबाइल का ASIA स्क्वाड इन्विटेशनल टूर्नामेंट चल रहा था, जो कि अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ, यानी 23 और 24 तारीख को हम लोगों ने खेला। और आप में से भी बहुत सारे लोग थे जो वहाँ पर मेरे को सपोर्ट करने आए, तो सबसे पहले आप लोगों का दिल से थैंक यू। तो इसके बाद अगर बात करूं तो भाई उस वाले टूर्नामेंट के अंदर मेरे को काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। हालांकि भाई जो अपनी पोजीशन थी लास्ट टाइम पे वो 8 थी, बट जो एक्सपीरियंस मैंने वहां से गेन किया और कुछ जो चीज़ें मैंने सीखी भाई, वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहले भाई जो न्यू स्टेट मोबाइल इंडिया की टीम है और जो अपने कम्युनिटी मैनेजर हैं, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे को ऐसी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। क्योंकि यार देखो, मैं अभी फ़िलहाल कोई इतने बड़े लेवल पे नहीं हूँ और ना ही मैं कोई ई स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ या फिर प्रोफेशनल प्लेयर आप लोग बोलो। मैं जस्ट एक कंटेंट क्रिएटर हूँ और जो मेरा लेवल है वो अभी काफ़ी ज़्यादा छोटा है। उसके बाद भी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलना यार काफ़ी बड़ी बात होती है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग न्यू स्टेट अभी तक नहीं खेले हो तो भाई ज़रूर से इसको डाउनलोड करो और खेलो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस आपको न्यू स्टेट में मिलने वाला है वो आपको किसी भी गेम के अंदर नहीं मिलेगा। और जहाँ पर हम लोग बात करते हैं न्यू स्टेट की, तो भाई ये दूसरे गेम से बिल्कुल ही अलग है। अगर आप लोग इसके ग्राफिक्स वगैरह देखोगे तो भाई नो डाउट एकदम ख़तरनाक है। और भाई वहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपको मिलता है ना, मतलब टोटली पीसी लेवल के ग्राफिक्स का एक्सपीरियंस आपको मोबाइल डिवाइस के अंदर मिलता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। तो अगर आप में से कोई भी बंदा ऐसा देख रहा है जो BGMI में है या किसी और गेम को खेलता है, तो भाई आप लोग एक ट्राई ज़रूर से करना न्यू स्टेट को खेलने की। और यहाँ पे भाई जो सीन चल रहा है वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है। और जो न्यू स्टेट मोबाइल इंडिया की टीम है वो भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो वो लोग आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई देंगे और ट्राई करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो अगर आप में से कोई भी बंदा ऐसा है जो अभी तक न्यू स्टेट को नहीं खेला, तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग एक बार खेलो। तो अगेन भाई मैं आप सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग मेरे को सपोर्ट ना करते तो भाई ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। और स्पेशल थैंक्स फॉर न्यू स्टेट मोबाइल इंडिया टीम, जिसने मेरे को इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी दी। तो इसके बाद यहाँ पर आप लोग कुछ हाइलाइट्स वगैरह देख सकते हो इस वाले टूर्नामेंट के अंदर की, जहाँ पर मैंने अपना बेस्ट देने का ट्राई किया था। हालाँकि उतना अच्छी परफॉर्मेंस मेरी नहीं रही, बट जो भी है भाई आप लोग देख सकते हो। भी कुछ टीम्स हैं जो आपको सर्कल के अंदर देखने को मिलेगी। गब्बर ओपी की स्क्वाड की बात करें, सर्कल के अंदर नहीं है, सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा साइफर, वो भी यहाँ पे डाउन किए गए। गोरेक्स की स्क्वाड आप कह सकते हैं कि इस मैच में बेहतर खेलते हुए, और खासकर वो जो प्लेसमेंट पॉइंट है साथ साथ वो भी निकाल रहे हैं, और जो फिनिशर्स का खाता है उसको भी पूरी तरीके से कंप्लीट किया जा रहा है। बट अभी भी हम गब्बर ओपी की स्क्वाड की बात करें, अगर उनको सर्कल के अंदर निकलना है तो फिर एटम की स्क्वाड को पछाड़ के निकलना पड़ेगा। कोशिश की गई, कामयाबी हासिल हुई नहीं, बट वहीं पे क्रेवी को भी डाउन किया गया। डायनेक्स की बात करें, यशु के द्वारा वो भी यहाँ पे डाउन कर कोशिश करेंगे जितने देते को सरवाइव कर पाए, बट वहीं पे हाईजैक एचपी काफी कम हुई है। मिस्टर हिट बोल्ट की स्क्वाड है आपको सामने देखने को मिलेगी, हाईजैक की एचपी थोड़ी कम है, बट उम्मीद करते हैं कि बड़े आसानी से अपने आप को हील करेंगे। बट गब्बर ओपी इनकी भी टीम कम नहीं है, काफी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए नजर आते हैं। बट एक और ग्रेनेड और इसी के साथ हाईजैक डाउन, एडी का एक बार फिर से बढ़िया ग्रेनेड, दो खिलाड़ियों को डाउन और दोनों को समाप्त कर दिया जाएगा। ये खिलाड़ी एक अलग प्रकार का गोल्डन हैंड लेके अपनी टीम के लिए आज के दिन पे चलता हुआ। जिगल जिगल देख करके उन दोनों ही खिलाड़ियों को डाउन किया जाएगा, और अभी भी वो जो गब्बर ओपी की टीम है वो सर्वाइव करती हुई नजर आएगी। क्या बढ़िया जिगल हमें देखने को मिलता हुआ नेशनल में वो करने यहाँ पे क्या आए हैं, जैसे कहा कि खाना भी चाहिए क्योंकि उनको पता है कि हमारे पास फुल पोटेंशियल टैलेंट, बट गाड़ी चेज करा जा रहा है। गब्बर ओपी की टीम है, गाड़ी लेकर सीधा पानी में जा सकते हैं, एजे है वो, बट गाड़ी घुमा के इतनी दूर भाग पाएंगे, स्प्रे डाउन करे जा सकते हैं, ट्रेस करने की कोशिश। डैमेज बहुत अच्छा खासा दिया गया है, अभी के लिए रुकना पड़ेगा उन्हें। बट अभी भी आप देखेंगे बाकी जो दो खिलाड़ी हैं गब्बर ओपी के, उनके पास एक बढ़िया एंगल हो सकता है। और अब एजे फंस गए क्योंकि अब ग्रेनेड्स की यहाँ पे बारिश होने वाली है और उससे बच पाना लगभग नामुमकिन रहेगा। वो अलग बात है कि अगर बाकी जो टीममेट्स हैं लाइटिक्स प्रो के वो यहाँ पे आए तो फिर ज्यादा बेहतर हो सकता है। बट चलिए, मुझे लगता नहीं है कि एजे को उस चीज की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उनके पास एक ग्रेनेड था, इस्तेमाल किया गया, एक खिलाड़ी को नॉक किया, बट भी नॉक करा गया है यहाँ पे, एंड उनको बचाने का मौका बहुत कम ही दिख रहा है। बट गाड़ी फंसी,
गाड़ी फंसी, दुर्घटना घटने की जो संभावनाएं हैं आयन की बहुत ज्यादा दिख रही है। गब्बर ने डैमेज बहुत ज्यादा दिया है और सामने है डेल्टा 28 के प्लेयर सर्कल में नहीं है, ये लोग फंस चुके हैं। चलिए कम से कम डेल्टा 28 व्हीकल लेकर के थोड़ा आगे जरूर से बढ़े, वहां पे शील्ड का इस्तेमाल किया जाएगा, जो कवर है उनके पास वो मौजूद रहेगा और फिर वहां से वो अपने आपको हील करके आगे की तरफ जाएंगे। लेकिन आप देखिए कि पीछे से जो ब्लू का डैमेज है वो भी आने वाला है और डैमेज काफी ज्यादा रहेगा। एक बहुत एक्यूरेट जो ग्रेनेड है वो अभी गब्बर ओपी की साइड से जाता हुआ नजर आएगा, इंस्टेंटली उन्होंने डाउन किया है वहां से, वो सच में निकल गए और मिथ फंस गए, अकेले हैं यहाँ पे। गब्बर ओपी के स्क्वाड के साथ मुलाकात होगी, मिथ ने एक को नॉक किया बट सौरभ पीछे मौजूद थे, एक बढ़िया कवर, गब्बर को वापस उठाया जाएगा। एक फ्रैग गब्बर ओपी के नाम, शुरुआत इनकी भी बेहतर होती हुई बट सामने आपको देखने को मिलेंगे मिस्टर हिटबोल्ट की स्क्वाड के हाई जैक। देखना यह है कि क्या वो रुकना पसंद करेंगे या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास एक खिलाड़ी कम है, तीन खिलाड़ियों के साथ ही आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मिथ समाप्त हो गए, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने वो फाइट देखी गब्बर ओपी के साथ, क्या ये घेरने की कोशिश की जा रही है? शायद जवाब हाँ हो सकता है क्योंकि अभी भी वेब के बाकी जो दो खिलाड़ी आपको पीछे देखने को मिलेंगे। अजय को यहाँ पे डैमेज पड़ा, बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा, एक दो और इसी के साथ गब्बर ओपी के द्वारा हाईजैक डाउन किए जाएंगे, समाप्त भी कर दिए गए। बट अगर दूसरी तरफ बात करें तो आपको वहां पे भी फाइट, जिस तरीके से खिलाड़ी आ रहे हैं उनको AWM इस वक्त छोड़ने की जरूरत पड़ने वाली है और उन्होंने थॉम्पसन पे जाना पसंद किया बट अपने आप पे वो डैमेज करा बैठे, अपने आप को हील भी करेंगे बट बोल्ट एक बढ़िया शॉट, स्टॉक्सी वहां पे डाउन किए गए। गब्बर की स्क्वाड थोड़ी सी मुश्किलात में क्योंकि अगर 1-1 की सिचुएशन इस तरीके से होती रही तो आपको वेब की स्क्वाड बड़े आसानी से जीतते हुए नजर आ सकती है। अपोलो किच भी बहुत ज्यादा कम रोल करके आगे गए, कामयाब उनको भुगतना पड़ा बट वहीं पे सौरभ की बात करें पूरी कोशिश की गई थी वहां पे बोल्ट के द्वारा, वेट ना करें। एंड इसी के साथ आई थिंक एक और प्लेयर का एलिमिनेशन हमें देखने को मिल चुका है। स्टोक्स जरूर से यहां पे जिंदा है बट डैमेज सर्कल का बहुत ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये फेज 5 शुरू हो जाएगा और दूर खिंचता हुआ देखने को मिला है और ये जो सर्कल है कि बहुत प्रॉब्लम में डालने वाला है काफी सारे टीमों को क्योंकि बहुत ओपन है, रिज के नीचे ही बैठे हुए और गाड़ी इधर ही लगा रहे हैं। माय गॉड एंकी, गलत डिसीजन हो सकता है, सीधा स्पिन ऑन स्टेप 249 है बट नहीं, काउंटर में बचाया जाएगा बट सौरभ आएंगे यहाँ पे, इकलौते खिलाड़ी बचे हुए हैं सामने से इटर्निटी, क्या वो सर्वाइव करा पाएंगे क्योंकि रिच से प्लेयर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वहां पर उनको स्पॉट करके डाउन किया जाएगा एक डिफरेंट एंगल से। गब्बर की बात करें वो यहाँ पर रहेंगी, उनकी टीम यहाँ पर अभी भी सर्वाइव करती हुई नजर आएगी। CFIT की बात करें उनकी टीम भी सर्कल के अंदर आते हुए नजर आएंगी। गोरे करा गया था जिस तरफ यहाँ पे साइफर है, साइफर के बिल्कुल सामने से एक नॉक निकाला है, कुछ चेंज हो सकता है। देखिए स्टोक्सी अभी भी जिंदा, अगर स्टोक्सी आगे चले जाए एंकी यहाँ पे ट्विस्ट हो सकता है कुछ बट सौरभ यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश ऑफ नहीं कर पाए हैं। स्टोक्सी हालांकि अकेले बच गए हैं अभी, नाउ आई थिंक जो होप था वो शायद से अब बहुत कम हो चुका है कि चीफ YT की टीम को हराएं कैसे। गब्बर की टीम दिक्कतों में तो बहुत ज्यादा, स्टोक्सी के लिए आगे जाना और ऊपर से वो स्पॉट भी हो सकता है, हिटमैन इसी तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल वहां पे स्पॉट किया जा सकता है लेकिन आप देखिए कितना ज्यादा करीब है ब्लू जोन को वो आउटरन करने में, लेकिन सर्कल के अंदर पहुंचेंगे उसके बावजूद 1v4 का सिनेरियो होगा और यहाँ पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया। स्टॉक्सी ने दो खिलाड़ी को डाउन किया, साइफर और कोबरा दोनों डाउन होते नजर आएंगे लेकिन शायद उन्होंने देरी कर दी, क्या ये फर्स्ट एड वो लगा पाएंगे? शायद नहीं।